तो आज हम बात करने वाले हैं कटिंग मशीन की। आपके पास कोई नई मशीन आती है तो उसमें बस ये एक मेटल की प्लेट लगी होती है, उसके बाद आपको ये प्लाई का पीस है 6 mm का लगाना होता है। इसका बेनिफिट आपको मिलता है ताकि आपका जो सरफेस है ये आपका वाइड हो जाता है, पैनल को काटने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है और ये भी आपको स्मूथ फिनिश देने के लिए सही रहता है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे ये जो कटर ब्लेड आप देख रहे हैं, ये आप इसको इस सेटिंग को अप एंड डाउन कर सकते हैं। जितने पैनल की थिकनेस है आपके उसके हिसाब से जो भी आपको काटना होता है उससे 2 mm आप प्लस ले लीजिए, राइट। और आप इससे पतले से पतला 2 mm से लेके आपका अराउंड 1 inch तक पैनल आप इजीली काट सकते हैं। उसके बाद आती है बात यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस की। ये जो अभी ब्लेड लगा हुआ है इसका इस पैनल के इस एज से लेके यहाँ तक आपका डिस्टेंस जो 18 mm है और इसकी जो ब्लेड की थिकनेस है वो 2 mm है, तो फाइनल जो साइज़ हुआ आपका वो 20 mm हुआ। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई पैनल 80 mm का काटना है तो आपको पैनल के ऊपर प्लस 20 करके मार्क करना होगा, तो 100 पे आपको मार्किंग करनी होगी तभी आपका जो साइज है वो एक्यूरेट आएगा। इस कटर मशीन में आप ये यहाँ स्विच देख रहे होंगे, ये जो स्विच होता है ये पावर स्विच होता है, इसको प्रेस करके चलाने से आपकी कटर मशीन चलती है। और उसके ऊपर एक छोटा सा ब्लैक कलर का आप एडिशनल स्विच देख रहे हैं, कभी आपको काफ़ी लंबी कटिंग करनी है और आप नहीं चाहते कि मैं इसको बटन को पावर बटन को प्रेस करके रखूं, के बाद आप यहाँ कंटिन्यू इसको प्रेस पुश कर दिए तो इससे आप कंटिन्यूस अपनी कटिंग कर सकते हैं। जो देख रहे हैं ये वाला जो ब्लैक कलर का जो बटन है, यहाँ पे आपका कार्बन लगा होता है और इसको जब हम खोलते हैं तो काफ़ी बार मशीन से धुआं निकलता है तो ये घिस जाता है, तो इसके बाद निकाल के हमें इसको चेक करना होता है और इसको बाद में हम रिप्लेस करके दोबारा से फिट कर सकते हैं जिससे हमारी मशीन काम करने लग जाएगी।